एक तरफ आर्थिक मंदी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी जनता को जेब ढीली करने पर मजबूर कर रही है। प्याज और टमाटर के आसमान छूते दाम पहले ही लोगों का स्वाद बिगाड़ रहे थे कि अब तेल की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों पर महंगाई का बोझ डाला है। नवम्बर में आज लगातार तीसरी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है, ये दावे तो रोजाना आम जनता को सरकार की तरफ से सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब आम जनता की जेब को राहत ही ना मिले तो ऐसे दावों का क्या मतलब। जी हाँ, रोजाना तेल की कीमतों में होता इजाफा जनता की जेब में सेंध लगा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। आज नवंबर महीने में लगातार तीसरी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इन तीन दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, रविवार को डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। इंडियन ऑयल के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल 73.05 रुपए, कोलकाता में 75.76 रुपए, मुंबई में 78.72 रुपए और चेन्नई में पेट्रोल 75.91 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि चारों महानगरों में डीजल के दाम भी बढ़कर 65.91 रुपए, 68.32 रुपए, 69.13 रुपए और 69.67 रुपए प्रति लीटर रहे। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। बीते एक महीने में कच्चे तेल के दाम में $4 प्रति बैरल से ज्यादा की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से 5 सप्ताह से ज्यादा समय के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है तो वहीं प्याज और टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियां भी बड़ी कीमतों की वजह से लोगों का बजट बिगाड़ रही है। देश में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है तो वहीं टमाटर 40 से 50 रुपए पहुंच गया है, जबकि बाकी सब्जियों का भी यही हाल है। सोयाबीन की फली 80 रुपए किलो बिक रही है तो वहीं पालक 40 रुपए, मेथी 60 रुपए, गोभी 40 रुपए और अरबी 80 रुपए किलो बिक रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में अब आम जनता को महंगाई से कब राहत मिलती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।